त्वचा की देखरेख के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे हमें अपनी स्किन को साफ रखना है, उसके लिए ज़रूरी है हम किस चीज़ से अपना फेस वॉश करें। मार्केट में जितने ज़्यादातर जो सोप्स आते हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग लिक्विड फेस वॉश आते हैं, उनका pH वैल्यू एक होता है, वो 10 होता है, और जो नॉर्मल अपने स्किन का pH वैल्यू है दैट इज़ 5.5। तो अगर हम अपनी स्किन को जिसका कि pH 5.5 है उसको 10 से वॉश करेंगे तो बॉडी के जो एसेंशियल ऑयल्स हैं उनको भी निकाल लेगा, जो कि त्वचा के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हमें कुछ ऐसा यूज़ करना है जिसका कि pH 5.5 हो, इससे स्किन में ड्राइनेस भी नहीं होगी और जो नॉर्मल त्वचा के ऑयल हैं वो बरकरार रहेंगे। देन हमें जो ध्यान रखना है, फेस वॉश करने के बाद हमें मॉइस्चराइज़र का भी इस्तेमाल ज़रूरी है, उससे त्वचा में सूखापन नहीं आएगा, ड्राइनेस नहीं आएगी। फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन। अगर आप पूछें लाइफ टाइम के लिए एक कॉस्मेटिक कौन सा यूज़ करना है, तो उसके लिए मैं सनस्क्रीन रिकमेंड करूँगा, क्योंकि सनस्क्रीन ऐसी चीज़ है जो आपको लॉन्ग टर्म पर सूरज की हानिकारक किरणों से बचाएगी, जिससे कि रिंकल्स, झाइयाँ, कालापन आता है लॉन्ग टर्म में। तो अगर आप सनस्क्रीन इस्तेमाल करेंगे तो इनके आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सौंदर्य और मेकअप के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें onlymyhealth.com।